أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. इन आयात में ईमान वालों की सिफात का जिक्र किया गया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के फजल से हम भी मुसलमान हैं। हम में से हर एक अपने अंदर झांके कि क्या ये सिफात मेरे अंदर भी हैं। पहली सिफत बयान हुई है कि अल्लाह का कलाम सुनकर उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं और कुरान मजीद की आयत सुनकर उनके ईमान में पुख्तगी पैदा होती है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन लोग वक्त पर नमाज अदा करते हैं। मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे। खुदा न खास्ता इसमें कमी हुई तो बाकी अमाल में भी कमी होगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ईमानदार लोग अल्लाह के देते हुए हलाल माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भी हमें तमाम सिफात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तर्जमा: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. सच फरमाया अल्लाह ताला ने जो बड़ी अजमत वाला है।